दोस्तों आज मैं आपको एवरेज डीपीयू में पुराने रिकॉर्ड डिलीट कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। होता क्या है, हमारी इस एवरेस्ट की डीपीयू की मेमोरी सिर्फ एक साल की होती है और एक साल के बाद डीपीयू में सुबह और शाम दोनों टाइम रिकॉर्ड एग्जिट का एरर आने लग जाता है। तो इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो इसके लिए आप जाएंगे मेनू में, तीन नंबर पे जाएंगे, डिलीट ओल्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ है और पासवर्ड डाल देंगे, एंटर करेंगे, स्टार्ट डेट में डाल देंगे 01/01/01 और एंटर करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट से ही, ये शिफ्ट है हमारी मॉर्निंग, और एंड डेट में करंट की डेट रहने देंगे। मैं चलो 31/7 तक का भी डिलीट में लगा लेता हूँ, 31/07 और 22 तक का, और इसमें शिफ्ट इवनिंग, ये शिफ्ट इवनिंग कर दिया मैंने, और आपके सामने ये लिख के आएगा डाटा फ्रॉम 1/1/1 मॉर्निंग टू 31/7/22 इवनिंग विल बी डिलीटेड वांट टू कंटिन्यू, एन का मतलब है नो और इसे तीर निशान से कर देंगे बाई, तो बाई का मतलब हो जाएगा यस, और आप एंटर कर देंगे, डिलीटिंग लिख के आ गया, ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो रहा है। डाटा डिलीटेड लिख के आ गया, एंटर कर देंगे, इसके बाद आपका डीपीयू रीस्टार्ट होगा। अब आपके इस डीपीयू में कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं बचा हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।